Hello students, so now this is a special session wherein we are going to discuss about Earth's magnetic field in brief. Okay, now we all know that Earth acts as a magnet. Okay, so our Earth has its own magnetic field. Okay, now consider this to be Earth, and if you consider Earth as a magnet, then remember student, the north pole of Earth as a magnet, see normally when we say north south direction, या बचपन में आपने देखा होगा कि मैप पर नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे है, so ये जो north south direction है, this is geographical north and geographical south, whereas ये जो मैंने black pen से लिखा है, N और S, these are magnetic north and magnetic south. So बच्चों ये जो है ये, this is magnetic south. This is magnetic north. Okay. अब जो आपका actual geographical north और south की अगर हम बात करें, so now many of you already know कि जहाँ पर magnetic south है वहाँ पे geographically we take north, और जहाँ पे magnetic north है वहाँ पे geographically we take south. So ये जो है this is geographical या geographic south, okay, and this is geographic north. Now between magnetic north south and geographic south north or north south, you can see, okay, if I consider this to be magnetic axis, Earth as a magnetic axis, okay, and this red one is geographical axis. So this red dotted line is geographical axis. So as you can see, the magnetic axis and geographical axis are always inclined to each other. There is some angle between them. Is that clear? So magnetic north-south and geographical north-south are not exactly coinciding. They are inclined to each other at certain angle. Normally 13, 11, etc. Okay? So now basically in this session मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा about earth as a magnet, okay? So पहले ये point I hope clear है कि geographical north south and magnetic north south are two different things, okay? Now, so let us focus on earth as a magnet. This I am keeping as my reference so that मुझे direction आपको समझाना आसान हो. So suppose ये मैंने earth को मैं फिर से draw करो as a magnet, north pole and south pole. So, आप सबको पता है कि अगर कोई मैग्नेट है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई नहीं देता है, सो वी ट्राई टू विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. सो वो लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ जाती है एक्सटर्नली लाइक दिस. सो दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये क्लियर है बच्चों? ओके, सो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अब हमको ये पता है कि किसी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, अ टैंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन अ लाइन ऑफ फोर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आपको बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो एट दिस पॉइंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस. अब इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम रिजोल्व कर सकते हैं. कैसे रिजोल्व करेंगे, कंपोनेंट्स के नाम क्या है, वो अब थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? पर इससे पहले दो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, एंड आई वुड वांट टू क्लियर दैट डाउट फर्स्ट. ओके, नाउ सपोज बच्चों, आई होप यू ऑल कैन सी दिस पेन, राइट? ये पेन आपको दिखाई दे रही है. टाइमिंग बच्चों ऐसा मान लो इस रूम में कि इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरफ ये पेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. अगर हम एक नीडल को सस्पेंड करेंगे बच्चों, तो जो नीडल होगा
जैसे मेरा हाथ मान लो नीडल है, ओके, सो अगर मैं इसको सस्पेंड करूं तो ये ऐसे से घूमेगा और अल्टीमेटली आप सब जानते हो कि इट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऐसे नहीं आता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट होता है. इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों आया? बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. सो अगर किसी भी मैग्नेटिक नीडल को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा रेस्ट पर आएगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से. सो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सॉरी, अगर नीडल ऐसे रेस्ट पर आ रही है, इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ इंक्लाइंड. और अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड है, देखो बच्चों, ऑल द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है पर ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, नहीं है एग्जैक्टली वर्टिकल है. अरे बात समझ में, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है ऐसा. सो हम ऐसा बोलते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. ओके, आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. आई होप ये क्लियर है. नीडल ऐसे रेस्ट पर आती है. अगर नीडल ऐसे रेस्ट पर आती है तो इस नीडल के मैं दो कंपोनेंट मान सकता हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा. सो फिर बच्चों ध्यान से देखना, जो ब्लू वाला पेन है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो रेड वाला पेन है वो उसका एक कंपोनेंट है, और जो ब्लैक वाला पेन है वो भी उसका एक कंपोनेंट है. सो क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है? नहीं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे है. एंड एज यू कैन सी देयर इज सम एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. नाउ जो रेड वाला मार्कर पेन है उसको हम बुलाएंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ब्लैक वाले को बुलाएंगे वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. आई रिपीट, प्लीज लिसन, दिस ब्लू पेन इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस रेड मार्कर इज कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस ब्लैक मार्कर इज वन मोर कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द रेड मार्कर इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द ब्लैक मार्कर इज अ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप कर रहा है. अब ये जो रेड वाला मार्कर और ब्लू वाले पेन के बीच में कुछ एंगल है, यानी किताबी भाषा में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीच में देयर इज सम एंगल. इसी को आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप. क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप. द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एंगल ऑफ डिप. ओके, फाइन. अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं बच्चों, जैसे राइट नाउ, चलो बच्चों ऐसा मान लो कि ये जो डायरेक्शन है ये वाला, आई होप यू ऑल कैन सी, ये दो जगह दोनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ऐसे? करेक्ट, ओके. सो ये वाला कैन वी से दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है. ये वर्टिकल प्लेन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बट इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं. ऐसा ऐसा, चलो ऐसा देखते हैं. ये एक वर्टिकल प्लेन है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है. सो वर्टिकल प्लेन विच इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. आई रिपीट, अ वर्टिकल प्लेन विच इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज मैग्नेटिक मेरिडियन. कंडीशन है कि इसमें मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ भी आना चाहिए. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस. सो ऐसा वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और उसमें अर्थ एज अ मैग्नेट का एक्सिस इन्वॉल्व है, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, थोड़ा और अच्छे से करते हैं. देखो, ये अर्थ एज अ मैग्नेट का एक्सिस. अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, कैन यू ऑल सी दिस? दोनों 90 डिग्री पर नहीं है, थोड़े से एंगल पर है, दे आर इंक्लाइन लाइक दिस. ऐसे कुछ एंगल है, ओके, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा है. सो मेरा जो राइट वाला हैंड है, ये राइट हैंड है, ये अर्थ एज अ मैग्नेट का एक्सिस और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस. अब ऐसा एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और अर्थ एज अ मैग्नेट के एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहा है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. अ प्लेन विच इज वर्टिकल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इज कंटेनिंग अर्थ एज अ मैग्नेट का एक्सिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. अ वर्टिकल प्लेन विच इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इज कंटेनिंग द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन. सो अगर मैं इससे मदद से आपको समझाऊं, सो ऐसे दो प्लेन बचो, ये दोनों प्लेन वर्टिकल है, आपको दोनों दिखाई नहीं देंगे, एक आगे एक पीछे है. ऐसे दो वर्टिकल प्लेन, ये वाला दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज आई वुड से ज्योग्राफिकल मेरिडियन. सो मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन दोनों वर्टिकल प्लेन है जो एक्सिस को कंटेन करते हैं, एक मैग्नेटिक एक्सिस को और एक ज्योग्राफिकल एक्सिस को, दोनों ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं. अब तक मैंने आपको क्या क्या टर्म्स बताए बच्चों, देखो, अर्थ एज अ मैग्नेट एंड अर्थ, दो चीजें हैं. अर्थ एज अ मैग्नेट का एक्सिस इज मैग्नेटिक एक्सिस,
अर्थ का एक्सिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस आर इंक्लाइन. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल आर डिफरेंट. जहां पर हम नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं वहां पे अर्थ एज अ मैग्नेट का साउथ पोल होता है, ये याद रखना. और जहां पर हम साउथ डायरेक्शन लेते हैं वहां पे अर्थ एज अ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. फिर दो मेरिडियन मैंने बताए, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन. वर्टिकल प्लेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेनिंग अर्थ एज अ मैग्नेट का एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. वर्टिकल प्लेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेनिंग ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन. और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंगल ऑफ डिप नहीं, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. आई विल कम टू दैट ऑल्सो. अब थोड़ा और अच्छे से करते बच्चों, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर कुछ चीजें जो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं बच्चों, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें क्लियर हो. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता रहा था, जस्ट अ मोमेंट बच्चों, ओके आई वाज जस्ट कलेक्टिंग दिस. सो ये मैग्नेट, अर्थ एज अ मैग्नेट का फील्ड, ये रेड मार्कर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ब्लैक मार्कर उसका वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, सो वैसी वर्टिकल दीवार ये वाली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और मैग्नेट को इन्वॉल्व करे, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेट के बीच का जो एक्सिस है, दैट इज एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप आर टू डिफरेंट थिंग्स. चलो यहां आ जाओ बच्चों. ओके, सो अब वी ऑल नो दैट किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या बताएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. इसका एक कंपोनेंट ऐसा है बच्चों और एक कंपोनेंट ऐसा है. ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो अर्थ के सरफेस को पैरेलल, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट. सो हाउ कैन दिस बी वर्टिकल? बहुत सिंपल है, आप अपने आप को अर्थ के सरफेस पे खड़ा कर दो. अब बच्चों ये कंपोनेंट आपके हेड से फीट की तरफ आ रहा है, सर से पैर की तरफ ऐसे जा रहा है, सो ऑफकोर्स ये वर्टिकल हुआ ना. सो देयरफॉर दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. ये जो एंगल है ये वाला, दिस, इसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं. एंगल ऑफ डिप, उतने से नीचे जा रहा है, उतने से डिप कर रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एंगल ऑफ डिप. आर वी क्लियर? ठीक है. अब बच्चों तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात हो रही है, बट हम रफली इक्वेटर टर्म यूज कर सकते हैं. सो यहां पर अगर मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो वो एग्जैक्टली ऐसा आता है, यानी पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसको पैरेलल है ना. सो पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल. सी थियरी डायग्राम में वैसे बनाया मैंने कि आपको हॉरिजॉन्टल दिखे, तो बी पूरा का पूरा बी एच है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इक्वेटर पर जाएंगे और किसी नीडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नीडल ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है बट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है वो. सो ये दोनों पेन के बीच में एंगल ही नहीं बन रहा है, सो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी, जीरो. सो अगर हम इक्वेटर पर है तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, बिकॉज पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन गया है, हॉरिजॉन्टल. सो एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज जीरो, सो पूरा का पूरा फील्ड इज हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑल्सो जीरो. वॉट अबाउट पोल्स? सर पोल की बात कीजिए. ओके बच्चों, अगर हम पोल की बात करें तो मान लीजिए मैं आपको पोल पे खड़ा करूं. सबसे पहले पोल पर टेंजेंट बनाते हैं, सो लाइंस ऐसे जा रही है. सो पोल्स पे इफ आई ड्रॉ टेंजेंट, ओके लेट मी ड्रॉ फ्यू मोर लाइंस सो दैट एक्सप्लेनिंग बिकम्स वेरी इजी. ओके, सो अब अगर पोल्स पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऑलमोस्ट ऐसा आएगा. अब अपने अच्छा ये ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट करी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इफ यू ड्रॉ योर सेल्फ एट द पोल, टेल मी, अब ये पूरा का पूरा फील्ड आपके हेड से फीट की तरफ जा रहा है, सो द इंटायर फील्ड विल बिकम वर्टिकल. सो एट पोल्स इफ आई से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए, बट पूरा फील्ड कैसा हो चुका है, देख इधर क्लास, मतलब यहां पर दिस इज एट इक्वेटर, पोल पर ऐसा हो जाएगा, द इंटायर फील्ड विल बिकम वर्टिकल. सो द इंटायर फील्ड विल बिकम वर्टिकल, योर एंगल ऑफ डिप विल बिकम 90, BH will become zero and BV will be maximum, the value is B. यही बात है बच्चों जो आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा इंक्लाइंड होता है. इंक्लाइन होता है इसलिए उसके दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल.
horizontal component is horizontal and it is in the north-south direction. Vertical component is vertically downward. Vertical. There is no component in the east-west direction. North-south mein component hai. Vertical component hai. East-west mein component Earth's magnetic field ka nahi hai. This will really help you in electromagnetic induction. यहाँ तक कि आई होप ये क्लियर है. अच्छा, एक और टर्म मैंने कहा कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमको एंगल ऑफ डिप से ही अपना काम हो जाता है. ओके चलो, इन सारी चीज़ों को मैं फिर से अलग से ड्रॉ करके आपको दिखवा देता हूँ सो दैट इट क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग फॉर यू. जैसे देखो बच्चों, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट. दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप. सो बाय सिंपल व्हाट यू से ट्रिग्नोमेट्री वी कैन सी बी एच इज बी कॉस थीटा, बी वी इज बी साइन थीटा एंड बी वी इज ऑल्सो इक्वल टू बी एच टैन थीटा. आर वी क्लियर? देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज. If we are at poles, अगर हम poles पर है और अगर हम equator पर है, ये बहुत कुछ latitude की तरह ही है बच्चों, gravitation वाला latitude. At equator, angle of dip becomes zero, so BH will be maximum, the value is B, and BV will be zero. ये BH की maximum value. If you are at poles, angle of dip is 90, BV will be equal to मैक्सिमम वैल्यू बीवी की एंड बी एच विल बी इक्वल टू जीरो. ये याद रखना बच्चों. कुछ और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों बिफोर वी स्टॉप जो आपको काम आएगा वो ये. क्या काम आएगा सर? देखो, कभी कभी ऐसा वो बोलते हैं कि दो प्लेन है जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर है. तो दीज आर टू प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है, अब इन दोनों प्लेनों में अगर हम नीडल को सस्पेंड करें, सपोज ये वाले प्लेन में सस्पेंड किया, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आई, मान लीजिए वैल्यू डेल्टा वन आई. ओके, और अगर इस प्लेन में हम सस्पेंड करें नीडल को, तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आई, मान लीजिए डेल्टा टू. So delta 1 and delta 2 are apparent dip. In two planes that are perpendicular, then find true dip at that place. So agar delta 1 delta 2 are the angle of dip at a certain place, aise do plane hai jo ek dusre ko inclined hai 90 degree par. Theek hai, iska exact question bachcho aisa hota hai. So delta 1 delta 2 kisi ek jagah par do angle of dip hai, दो प्लेन में जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लीजिए बोर्ड, बोर्ड का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है. यहां पर दो प्लेन और है, चलो मैं और अच्छे से बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स. ओके सो नाउ ये जो बीच वाला, आई होप यू ऑल कैन सी. सो नाउ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, ये दो प्लेन बच्चों परपेंडिकुलर और एक प्लेन ऐसा है. सो देयर आर थ्री प्लेन स्टूडेंट्स, ये तीन, मेरा हाथ एक प्लेन है और ये जो कवर है इसमें भी दो प्लेन है, एज यू ऑल कैन सी. चलो ऐसे, ठीक है ना. सो मेरा हाथ इज ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस हैंड इज ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन. सो दीज आर टू प्लेन्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है, अब इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू डेल्टा वन है, इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू डेल्टा टू है, जबकि हमको पता है कि ट्रू एंगल ऑफ डिप तो ये वाले प्लेन में आएगा. तो आपसे पूछा जाएगा अगर यहां एंगल ऑफ डिप डेल्टा वन है,
यहाँ एंगल ऑफ डिप डेल्टा 2 है, तो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या है? सो फॉर दैट प्लीज रिमेंबर द रिजल्ट. हालांकि अभी उतना टाइम नहीं कि हम वो प्रूफ में जाए, और प्रूफ का रिक्वायरमेंट भी नहीं है. जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट कि इस जगह का जो कॉट स्क्वायर डेल्टा है, ट्रू डिप इज कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2. इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू सी, आई विल राइट हियर, cot square delta true dip is cot square delta 1 plus cot square delta 2, where delta 1 and delta 2 are the apparent dip at that place. Condition is ki dono plane right angle par hai, jinme ye apparent dip ki value di gayi hai. Okay, so these were few terms related to Earth's magnetic field: horizontal component, vertical component, angle of dip, geographical meridian, magnetic meridian, angle of declination, and angle of apparent dip का जो रिजल्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. ओके, आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट. थैंक यू सो मच.